फ्रेंड्स पवनदीप राजन, इस बार दिवाली मनाया अरुणिता की घर कोलकाता में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये अपने आप में ही हम सभी आरुदीप फैंस के लिए बहुत ही खुशी की बात है, जो पवनदीप और अरुणिता इस बार साथ में दिवाली सेलिब्रेट किया, वो भी अरुणिता की घर कोलकाता में। तो फ्रेंड्स चलिए आपको पूरी अपडेट को बता देती हूँ, आप सब बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल क्रेजी फॉर ट्यून्स में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पवनदीप और अरुणिता की हर एक अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, पवनदीप और अरुणिता अपनी नागपुर की लाइव कॉन्सर्ट को खत्म करने के बाद पवनदीप और अरुणिता साथ में उनके टीम मेंबर सिदा निकल परिडीहे कोलकाता के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे में अरुणिता ने पवनदीप को कई सारे कोलकाता की जगहों में घुमाया। ऐसा मैं कंफर्म तो नहीं हूँ फ्रेंड्स, पर ऐसा हमें सूत्रों से पता चल गया तो आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, पवनदीप और अरुणिता उसके बाद निकल पड़े कोलकाता जान बाजार की पब्लिक लाइव कॉन्सर्ट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, कल की शो में पहले तो अरुणिता आके शानदार परफॉर्मेंस देने लगी। अपनी वो स्वीट सी आवाज और जिस खूबसूरती से अरुणिता गा रही थी, जिसे सुनने के बाद वहाँ के ऑडियंस तो अलग ही दुनिया में अरुणिता की गाने को फील करने लगे। सभी लोग अरुणिता की माया जाल में फंस गए हैं और इस माया जाल से लोग बाहर ही नहीं आना चाहते। शो में आया हुआ सभी लोग चाहते थे कि अरुणिता बस गाती रहे अपनी खूबसूरत आवाज से, और शो की सभी लोग अरुणिता की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे, और करे भी क्यों ना, अपनी जगह की मेलोडी क्वीन उनके सामने परफॉर्म जो कर रही थी। फिर अरुणिता जब अपनी सभी सोलो परफॉर्मेंस खत्म करके गई, तब पवनदीप आया और लोग पवनदीप को देखकर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगे। फ्रेंड्स, ऐसे में पवनदीप भी अपना सभी सोलो परफॉर्मेंस को खत्म करके अरुणिता को बुलाया, फिर अरुणिता आई, फिर आरुदीप साथ में अपना शानदार परफॉर्मेंस देने लगी। दोनों ने कई सारी आपने शानदार परफॉर्मेंस दिया। फ्रेंड्स, भले वह एक पब्लिक शो था, लेकिन फ्रेंड्स पवनदीप और अरुणिता ने फिर भी अपनी कई सारी शानदार परफॉर्मेंस दिया। तो फ्रेंड्स, आपको उनका सभी परफॉर्मेंस कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बोलिएगा। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि इनका अगला लाइव कॉन्सर्ट अब परसों यानी कि 14 नवंबर को होने वाली है लातूर की दयानंद कॉलेज में। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे में आज दिवाली के मौके पर पवनदीप अपनी दिवाली कोलकाता में ही मना चुकी है। भले ही उनके साथ में कोई भी फोटोज नहीं आया, लेकिन ऐसा हम सभी फैंस को पता है कि पवनदीप कहाँ पर दिवाली मना रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर मेरे हाथ कुछ भी फोटो वीडियो आए तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूंगी। आप सब बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको मैं नेक्स्ट अपडेट अगली वीडियो में दे दूंगी। फ्रेंड्स, आप बस हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ और एक अपडेट की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।